हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 29 सितंबर से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। पहले नवरात्रे पर क्या करना है घट स्थापना के साथ साथ, तो एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैंने इस वीडियो में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। तो आज मैं बताऊँगी कि नवरात्रों पर घट स्थापना के साथ आप ज्वारे भी उगाते हैं तो कैसे उगाएँ। दोस्तों, ज्वारे सुख समृद्धि का प्रतीक है। नवरात्रों में सभी लोग पहले नवरात्र पर ही घट स्थापना के साथ ज्वारे भी बोते हैं और अखंड ज्योत भी जलाते हैं। तो ज्वारे उगाने के लिए क्या करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगी, पर उससे पहले आपसे एक ज़रूरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ज्वारे उगाने के लिए एक मिट्टी का पात्र लेना है और शुद्ध जगह से मिट्टी ले आएँ। मिट्टी को छान कर साफ़ कर लें, उसमें कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। अब जौ भी छांट लीजिए। अगर आप जौ उगा रहे हैं या गेहूं उगा रहे हैं तो उन्हें साफ़ कर लें। दोस्तों, ज्वारे को खेतरी भी कहते हैं, तो ये गेहूं या जौ साफ़ कर लीजिए और इसमें से टूटे हुए दाने निकाल दीजिए। अब पानी से इसे धोकर कुछ देर भीगा रहने दें ताकि जो हमारी खेतरी होगी वो बहुत अच्छी होगी। अब मिट्टी के बर्तन पर मौली बांधें और स्वास्तिक बनाएं, मतलब रोली में गंगा जल मिलाकर स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक पूजा में बहुत शुभ माना जाता है, ये सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। तो रोली से स्वास्तिक बनाकर श्री भी बनाएं। ऐसा करने से मतलब इसमें देवी माँ का पास होता है। और जो हम ज्वारे की खेतरी बीजते हैं उससे हमें आने वाले दिनों का अंदाज़ा लग जाता है, इसलिए अच्छी तरह श्रद्धा व भक्ति के साथ शुद्ध भावना से खेतरी बीजनी चाहिए। मन में माँ का नाम लेते हुए प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारी खेतरी बहुत अच्छी हो और आने वाले दिन हमारे लिए शुभ हो, और कोई अगर ज़िंदगी में जो कोई कष्ट हो तो माँ आप वो सारे कष्ट हर लीजिएगा, ऐसा देवी माँ से कहना है। माना जाता है कि हमारे ज्वारे यानी कि खेतरी जितनी भी हरी भरी होगी उतना ही हमारे जीवन में धन सुख समृद्धि का वास होगा। अब हम बर्तन में मिट्टी भर लेंगे, ऊपर से भीगे हुए जौ डाल देंगे। इस तरह अगर ज्वारे बीजते हैं मतलब उगाते हैं तो हमारी खेतरी अच्छी और हरी भरी होगी। मिट्टी में जौ डाल देने के बाद थोड़ी सी मिट्टी और डाल देंगे और इसे 3 दिन के लिए ढक के रख देंगे। जिस दिन जिस बर्तन से इसको ढकेंगे उसके ऊपर भी स्वास्तिक चिन्ह बना देंगे, ये बहुत शुभ होता है। नवरात्रि के पहले दिन ही आपने ये वाटिका बनानी है, मतलब ज्वारे उगाने हैं। इसकी पूजा भी नियमित रूप से करनी है, धूप दीप दिखानी है। तीसरे दिन ये ज्वारे अंकुरित हो जाएंगे, ये इस बात का संकेत है कि माता रानी हम पर खुश हैं। दोस्तों, अगर आप पूरे 9 व्रत रख रहे हैं तो घट स्थापना खेतरी बीजना पहले दिन ही करना है। इसके साथ साथ आप 9 दिनों के लिए अखंड ज्योत जलाते हैं तो क्या करना है, अष्टदल कमल पर एक दिए में मौली की सवा हाथ की बाती बनानी है, यानी कि अपने हाथ से नाप लीजिएगा। अपने हाथ के कोहनी तक नाप कर एक हथेली जितना धागा और नाप कर ये सवा हाथ की मौली बन जाएगी। इसकी बाती बनाकर दिए में डाल दें। आप ये इस दिए में तेल भी डाल सकते हैं और घी भी डाल सकते हैं, तो इसमें तेल भर दें। दोस्तों, ये दीपक माता रानी के बाएं तरफ रखना चाहिए। इसे 9 दिन तक अखंड जलाना है दिन रात, बीच में बुझना नहीं चाहिए, इसलिए एक बड़ा दिया लेना है और बाती भी बड़ी ही बनानी है। परंतु दीपक की बाती इतनी आगे नहीं करनी है कि दीपक की लौ की वजह से माता रानी को गर्मी लगे, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम अखंड ज्योत के लिए जो उसमें दीपक की जो लौ है वो इतनी रखनी है कि माता रानी को गर्मी ना लगे। हम दीपक इसलिए जलाते हैं
कि ये साक्षी होता है हमारी श्रद्धा का, भक्ति का। इस दीपक के द्वारा ही हमारी भक्ति देवी माँ तक पहुँचती है। तो दीपक की भी विधि पूर्वक पूजा करनी है, जैसे कलश की पूजा करी है उसी तरह दीपक की भी पूजा करनी चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद दीपक के चारों तरफ लाल पुष्प सजा देंगे और रोली से टीका करेंगे। इसके साथ साथ अखंड ज्योत का विशेष ध्यान भी रखना है कि ये 9 दिन तक जलता रहे, बुझे नहीं। इसलिए एक व्यक्ति मंदिर में ज्योत का ध्यान रखने के लिए उसमें समय समय पर तेल डालें, दिए की बाती को उसका मतलब दिए की बाती का भी ध्यान रखे। दोस्तों, दिए के जो अखंड ज्योत हम जलाते हैं तो कुछ दिन के बाद उसके आगे एक गुल आ जाता है काले से रंग का। जो गुल आ जाता है उसको सावधानी पूर्वक हटाना चाहिए ताकि दीपक बुझे नहीं। एक माचिस की तिल्ली लेकर बाती के आगे से गुल हटाएं। वैसे ही जैसे घट स्थापना की जगह जो चावल होते हैं वो वहाँ पर मतलब चूहे वगैरह आके खा न जाएं, इसलिए मंदिर में एक व्यक्ति वहाँ पर जरूर होना चाहिए। पूजा स्थल को कभी भी खाली या सूना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वो नवरात्रों में हम जब जैसे अखंड ज्योत जलाते हैं या कलश स्थापना करते हैं तो वहाँ पर अष्टदल बनाते हैं ना, तो अष्टदल के आसपास जो जिसे चावल वगैरह हैं तो वो चूहे वगैरह खाए ना। और इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति ने भी पहली बार घी का दीपक जलाया है तो ऐसा माना जाता है कि वही व्यक्ति घी डाले उसमें दीपक में और दीपक की देखभाल भी करे। और नवरात्र में अखंड ज्योत जलाई है तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि घर को सोना नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी घर से कहीं बाहर जाना हो तो एक सुनिश्चित कर लें कि घर में कोई ना कोई व्यक्ति घर में मौजूद रहे जो ज्योत का भी ध्यान रखे। और अगर बहुत ज़रूरी हो कहीं जाना तो आपने क्या करना है, एक मिट्टी का द्वारपाल बना लीजिए। मिट्टी का द्वारपाल बना के माता के पास बैठा कर देवी माँ से विनती करें कि हे देवी माँ, ये जो द्वारपाल आपके पास बैठाया है, ये द्वारपाल मिट्टी का मैं आपके पास बैठा के जा रही हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं थोड़ी सी देर में जल्दी आ जाऊँगी। तो इस तरह से दोस्तों अखंड ज्योत का ध्यान रखना है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप सुबह शाम भी नियम पूर्वक पूजा करते समय ज्योत जला सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में जय माता की ज़रूर लिखें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी।